जिले का जयसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र, हरियाली से लदे पहाड़, ऊंचाई से गिरता झरना, शोर मचाता दरिया, खूबसूरत वादियाँ, घने जंगल और शांत माहौल, ये जयसिंहपुर की ऐसी खासियतें हैं जो यहाँ पहुँचे बिना महसूस नहीं की जा सकती। जयसिंहपुर में घुसते ही आप कुदरत को महसूस करेंगे जो यहाँ हर ओर बिखरी पड़ी है। छोटी छोटी पगडंडियां और स्लेट के पत्थर की छत से बने घर इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। जयसिंहपुर का नाम कटोच वंश के राजा जयसिंह के नाम पर रखा गया है, जो एक जमाने में यहाँ राज किया करते थे। ब्यास नदी के किनारे बसे जयसिंहपुर में वैसे तो ऐतिहासिक बहुत कुछ है, लेकिन इसे इसके चौगान के लिए खास तौर पर जाना जाता है। लेकिन शांत रहने वाले इस इलाके में आजकल सियासी शोर सुनाई देने लगा है। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं सड़क के किनारे और चाय की दुकानों में शुरू हो गई है। मतदाता अपने तर्कों और वितर्कों से खुद को सही साबित करते देखे जा सकते हैं। जयसिंहपुर पहले थुरल निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद इसकी पंचायतों को बैजनाथ, ज्वालामुखी और सुलह विधानसभा में मिला दिया गया, जबकि बैजनाथ, ज्वालामुखी और सुलह विधानसभाओं से कुछ पंचायतों को लेकर जयसिंहपुर के नाम से नया निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया। जयसिंहपुर में कुल 69,847 मतदाता हैं, जिसमें 33,881 पुरुष हैं, जबकि 35,966 महिलाएं हैं। साल 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी विधायक और मौजूदा सरकार में जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि ने जीत का परचम लहराया था। रवि ने कांग्रेस प्रत्याशी को 6,679 मतों के अंतर से पराजित किया। बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रवि को 18,512 वोट हासिल हुए थे, जबकि आजाद उम्मीदवार जगदीश चंद सिपाहिया को 11,833 मतों में संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस प्रत्याशी यहां 4,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा था, लेकिन इस दफा मंत्री और मौजूदा विधायक रविंद्र रवि को चुनाव लड़ने के लिए नया हलका तलाशना होगा। दरअसल परिसीमन के बाद जयसिंहपुर एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया है, जिसके चलते यहाँ के इतिहास में पहली बार आरक्षित उम्मीदवार विधायक पद के लिए लड़ते नजर आएंगे। जयसिंहपुर कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में आता है। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के राजन सुशांत ने कांग्रेस के चंद्र कुमार को 20,779 मतों के अंतर से पराजित किया था। राजन सुशांत को 3,22,254 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र कुमार को 3,01,475 वोट हासिल हुए थे। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से राजन सुशांत को 18,430 वोट हासिल हुए थे, जबकि चंद्र कुमार को 16,524 वोट पड़े थे। रविंद्र रवि साल 1993 के बाद से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आज तक चुनाव नहीं हारे, लेकिन परिसीमन के बाद जयसिंहपुर आरक्षित हो चली है, लिहाजा वो अब यहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन रवि को अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए कामों पर गर्व है। उनके मुताबिक इस विधानसभा में उन्होंने वो सारे काम करके दिखाए जिसकी कभी कांग्रेस के राज में कल्पना भी नहीं की गई थी। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं विधायक बना था तो उसमें थुरल विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की कमी थी, वहां पर पीने के पानी की कमी थी, बिजली की वोल्टेज नाममात्र की हुआ करती थी, शिक्षण संस्थानों की भारी मात्रा में कमी थी। आज थुरल विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गांव बिना सड़क से नहीं है। उस समय केवल मात्र 14 पंचायतों में, गांव में नहीं 14 पंचायतों में सड़क थी, वो भी 14 पंचायतें कौन सी जो मुख्य सड़कों के साथ या तहसील अटगौट हमारा जयसिंहपुर है ये जुड़ा हुआ था एक एल शेप में, बाकी हर क्षेत्र में जो है सड़कों का बहुत बड़ा अभाव था, जो थोड़ी बहुत थी वो कच्ची थी।
आज सारी की सारी गांव सड़कों के साथ जुड़ चुके हैं और मुझे खुशी है कि जहां सड़कों का जाल बिछा वहीं पर शिक्षण संस्थान जो 1998 तक थुरल विधानसभा क्षेत्र में केवल मात्र दो जमा के दो स्कूल थे आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 18 हो गई है। रविंद्र रवि सड़क को भी बड़ी शान से दिखाते हैं जिसे चीनी इंजीनियरों ने तैयार किया है। 45 किलोमीटर लंबी ये सड़क जयसिंहपुर को पालमपुर से जोड़ती है। इसके बारे में मशहूर है कि इस पूरे रास्ते में एक भी जगह डिप नहीं है। वहीं जब हमने रवि से उनके चुनाव लड़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जहां से आला कमान कहेंगे वहीं वो ताल ठोक देंगे। ये डिमिलिशन के बाद जो है वो पार्टी फैसला करती है, हमारी उच्च कमान फैसला करती है, जहां से पार्टी आदेश करेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि विपक्षी कांग्रेस मंत्री जी के दावों से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेसियों के मुताबिक हल्के में जो भी काम हुए कांग्रेस के राज में हुए। उनका आरोप है कि रविंद्र रवि को मंत्री होने के नाते जितने काम करवाने चाहिए थे उतने नहीं कराए गए। जो सेंट्रल सरकार की स्कीमें थी वही इम्प्लीमेंट करवाई है, वही अभी तक अधूरी है। जिसको हमने हॉस्पिटल का मुद्दा हमारे 20 वर्ष से चला हुआ है यहाँ जयसिंहपुर में, और जयसिंहपुर में 20 वर्ष से हॉस्पिटल का, उसमें कोई डॉक्टर नहीं आता ना तो कोई ऐसी सुविधा यहाँ पर मिली। युवाओं की समस्या यहाँ बहुत गहन है, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अभी तक कोई मतलब ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे यहाँ पर इस क्षेत्र में रोजगार मिल सके युवाओं को लिए। लेकिन विधानसभा क्षेत्र की सारी सड़कें जयसिंहपुर पालमपुर जैसी नहीं हैं। जयसिंहपुर कस्बे के बाजार में आपको सड़कों के हालत दिख जाएंगे। इसके अलावा कस्बे में बस स्टैंड ना बनने, पार्किंग की व्यवस्था ना होने और पीने के पानी की किल्लत से लोग खफा हैं। रोडों का काम चल रहा है वो होना चाहिए, स्कूल का टीचर नहीं है वो होना चाहिए। हमारी जो टैक्सियां लगती है यहाँ उसके लिए खड़ी करने के लिए जगह नहीं है यहाँ, और यहाँ बड़ा भीड़ भड़क्का रहता है। यहाँ एक तो बस अड्डा नहीं है, बस अड्डा बन जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी हमारी। मुझे लगता है अगर जयसिंहपुर के अंदर विकास हुआ होता तो आज ये सड़कों की दुर्दशा नहीं होती। जो पानी सड़कों का जो दुकानों के अंदर घुस गया है, और हमारे यहाँ एक पेयजल योजना का जो उन्होंने उद्घाटन किया बोले 70 करोड़ के अंदर जो उन्होंने बताया कि हमने लोगों के लिए शुरू की है योजना, उस योजना का ये हशर है कि आज हमारे यहाँ से 100 मीटर जो वहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को पानी उपलब्ध नहीं है, और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी जो समस्त जनता है आज पानी के लिए इतराई इतराई कर रही है। जयसिंहपुर में स्कूलों में अध्यापकों की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव को लेकर आम जनता में नाराजगी है। जनता के मुताबिक कई दफा तो उन्हें इलाज के लिए पालमपुर या टांडा मेडिकल कॉलेज तक जाना पड़ता है। यहाँ पर हॉस्पिटल है नीचे, जो यहाँ की मेन समस्या है। यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है, मंत्री की कंस्टिट्यूएंसी होते हुए यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है। मास्टर नहीं थोड़ा 5-7-10-12 बच्चे की स्कूल लाते हैं ना, 15-17-18 दुगे चाहना 35 बच्चे कहना, बच्चों को पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं क्या करना जिंदे कहना। कमी यहाँ है डिस्पेंसरी की, और क्या कमी है स्कूल से, या मास्टर नहीं है स्कूल से, टीचर तो होना चाहिए स्कूल से। एक हॉस्पिटल है हमारा जी, स्वास्थ्य सुविधा एक डॉक्टर के सहारे था, वो भी अब स्थानांतर हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए ये बैजनाथ में, अभी तक कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं आ सका है। आज हमारे सबसे मूल रूप से जो सुविधा है, जो हमारी एजुकेशन या हमारे जो सुविधा स्वास्थ्य सुविधा है, तो आज की डेट में हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है जो किसी को दवाई दे सके, सर्जन तो दूर रहा। जयसिंहपुर के बाशिंदे मैदान की हालत पर भी नाराज हैं। उनके मुताबिक एक जमाने में यहाँ कई खेल एक साथ हो जाया करते थे, लेकिन अब गंदगी और अनदेखी के चलते मैदान काफी सिकुड़ गया है। जयसिंहपुर का ये ऐतिहासिक चौकान जिसमें राजा जयसिंह ने बनवाया था, आज ये बिल्कुल अपनी बदहाली की कंडीशन पर है। कभी इस ऐतिहासिक चौगान का जो टोटल एरिया था वो 140 कनाल के लगभग था, परंतु अतिक्रमण के चलते, एनक्रोचमेंट के चलते ये आज सिकुड़कर 60 कनाल के लगभग रह गया, मोर देन हाफ इसको एनक्रोच हो चुका है। परंतु ये सरकार की अनदेखी का शिकार है, आज तक इस ग्राउंड को संवारने के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसकी यहाँ पर पहल की गई हो। सारा ग्राउंड कांग्रेस घास से कवर्ड है,
जिससे इस घास से बेसिकली बच्चों को एलर्जी की बीमारियां, अस्थमा की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, बच्चों के लिए भी घातक। और बच्चे इस ग्राउंड में सुबह शाम खेलते रहते हैं। इस ग्राउंड में कभी कोई एक समय था सारी गेम्स इकट्ठी हो सकती थी, परंतु आज इसका एरिया इतना सिकुड़ गया है कि आप अगर फुटबॉल खेलते तो हॉकी के लिए जगह नहीं है, हॉकी खेलोगे तो बास्केटबॉल के लिए जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा विधानसभा क्षेत्र रवि के कामों से असंतुष्ट है। मतदाताओं का एक बहुत बड़ा तबका मानता है कि रवि के कार्यकाल में इलाके में विकास हुआ। रविंद्र रवि जी ने दिया हमें कुछ, बहुत उनकी देन है, बहुत कुछ दिया हमें, स्कूल दिया, इधर सराय दी, कोई कुछ दिए, ऐसे काम उन्होंने किए हैं, अच्छे काम किए हैं। यहाँ ये सड़क का भी उनके हाथ हुआ, बाकी ये मिडिल स्कूल उन्होंने दिया, ये आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी उन्होंने दी। काम तो उन्होंने काफी किया है ना, जैसे रोड है, ये बाकी डिस्पेंसरी आई उनके टाइम में, ये आयुर्वेदिक की मैक्सिमम जो उन्होंने अपनी तरफ से जो योजनाएं थी वो कार्यान्वयन तो की हैं, जो उन्होंने प्रोमिस किए थे, जैसे 33 KV के था हमारा कंगैन में जो बना है, जिसके बिजली के जो शॉर्टेज वगैरह वो आपका सारा किया है, रोड्स का था, रोड्स का भी जहाँ गाँव में वहाँ पे सारा निकाला है। बहरहाल विधानसभा चुनाव दस्तक दे चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी के साथ दूसरे दलों ने भी जयसिंहपुर में कमर कस ली है। जयसिंहपुर के किले पर बीते 19 साल से बीजेपी का एक छत्र राज है। क्या कांग्रेस बीजेपी के इस दुर्ग में सेंध लगा पाएगी या बीजेपी फिर से इस पर कब्जा करने में कामयाब हो पाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ मतदाता ही दे पाएंगे।